नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने बीते दिनों भारत के खिलाफ खेले गए मैच में 19 गेंदों पर 41 रन की तूफानी पारी खेली। मैक्सवेल की फॉर्म में वापसी देख उनके किंग्स इलेवन पंजाब के प्रशंसक निराश हुए। आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब से खेलते हुए मैक्सवेल एक भी छक्का नहीं लगा पाए थे, लेकिन टीम इंडिया के खिलाफ उन्होंने दमदार वापसी की। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही थी। ट्रोल करते एक मीम पर ग्लेन मैक्सवेल ने लिखा कि बल्लेबाजी करते हुए मैंने केएल राहुल से माफी मांग ली थी। दरअसल बीते दिनों वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच भी T20 मैच खेला गया था। इसमें वेस्टइंडीज टीम ने निर्धारित 16 ओवरों में पोलार्ड के तूफानी अर्धशतक की बदौलत 180 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने जिमी नीशम के 24 गेंदों पर बनाए गए 48 रनों की मदद से जीत हासिल कर ली थी। नीशम भी पंजाब की टीम में थे, लेकिन वो बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। सोशल मीडिया पर किंग्स इलेवन पंजाब टीम के एक फैन ने नीशम और मैक्सवेल को ट्रोल करता एक मीम शेयर किया था। इस पर सबसे पहले जिमी नीशम ने कमेंट किया। जिमी नीशम ने लिखा, हा हा, ये वाकई बहुत अच्छा है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने भी इस मीम पर लिखा, मैंने केएल राहुल से माफी मांग ली थी जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था। बता दें कि आईपीएल में पंजाब की ओर से खेलते हुए मैक्सवेल 13 मैचों में 108 रन ही बना पाए थे, जबकि उन्हें विकेट भी सिर्फ 2 ही मिली थी। दूसरी तरफ जिमी नीशम ने 5 मैचों में 19 रन बनाए थे, जबकि उन्हें विकेट मात्र 2 ही मिली थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।